आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेंगलुरु में जनसभा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तुलना रावण से की है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार में बहुत अहंकार है, वैसा ही अहंकार जैसे रावण में था। किसानों के आगे लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। केजरीवाल ने कहा कि मैं किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूं। 3 काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया था। रावण सीता माता को हर के ले गया। उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, इनसे दुश्मनी मत लो। विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था, उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है, वो नहीं माना। अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था, उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 काले कानून पास किए, उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो, किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को 3 कानून वापस लिए लेने पड़े। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, उनके अहंकार को आपने रौंद दिया।